हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं कोहिमा जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के साथ। उसको मैं वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं पहुँचा। पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर लग रहा है। और गाइस, आई होप आप लोग को साउंड का क्वालिटी ठीक ही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल माइक इंस्टॉल कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल किसामा में। पता नहीं मेरा फ्रेंड इतना देर क्यों लगा रहा है। अच्छा, ये लो आ गया। हम दोनों जा रहे हैं सिर्फ, और कोई दूसरा नहीं है। ओके, कैमरा रोलिंग। ओके, तो चलो चलते हैं गाइस कोहिमा। अभी मैं चुमू में हूँ, अभी चुमू से जा रहा हूँ। पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे। आज मौसम इतना गर्म नहीं है गाइस, थोड़ा ठंडा है मौसम। मेरा फ्रेंड आगे निकल चुका है। बहुत सारा बाइकर्स है रास्ते में, ये सब हॉर्नबिल से आ रहे हैं। पूरा रॉयल एनफील्ड लेके घूम रहे हैं ये लोग। बाहर से आते हैं, बाहर के देश से आते हैं, बाहर के स्टेट से, आई मीन कोई फॉरेन से भी आते हैं। ऑलराइट, यहाँ फ्यूल सिर्फ दो स्टिक इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए फ्यूल को फिल कर लेते हैं। ओहो, क्लोज है, ये लगता है क्लोज है। किमान बजे खुलेगा ना? किमान बजे खुलेगा? हाँ, बारह। बहुत सारे बाइकर आए हैं, लगता है आसाम से है कोई। सब लोग जा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल पे। अभी मैंने फ्यूल टैंक कर लिया, पूरा फुल कर लिया। इतना हड़बड़ी नहीं जाऊंगा, थोड़ा स्पीड लिमिट करके जाऊंगा। रास्ते देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं नेशनल हाईवे। पहले ये बहुत छोटा हुआ करता था, सिर्फ सिंगल लेन था इधर। ये देख सकते हैं अभी दाएं तरफ ये पूरा बाइकर सब है, उधर हॉर्नबिल फेस्टिवल से आ रहे हैं वापस। और मेरे आगे मेरा फ्रेंड, ऊपर घस बनी पार कर ना। गाइस, जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं उतना ठंड बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोहिमा में बहुत ठंड है दिमापुर से।
गाइस अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लिए हैं यहाँ, थोड़ा 5 मिनट आराम करेंगे फिर यहाँ से मूव करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग के बाइक यहाँ खड़े हैं पूरा। रोड कंडीशन अभी ठीक ही है, लेकिन देखते हैं जाते जाते रास्ते का हालत कैसा होगा। गाइस अभी शॉर्ट ब्रेक के बाद हम लोग अभी मूव कर चुके हैं। और मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि उसको चाय पीना है, इसलिए जाते जाते हाफ वे में फिर से रुकेंगे हम लोग, चाय ब्रेक लेंगे, क्योंकि इतना हड़बड़ी नहीं है हमें, आराम से जाएंगे फिर शाम को वापस आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। अगर मेरे सब्सक्राइबर कोई हॉट बैलून फेस्टिवल में आना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, एवरी ईयर यहाँ दिसंबर को डेट 1 से लेकर डेट 10 तक ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, जहाँ नागालैंड के सब ट्राइब के कल्चर शो होता है और वगैरह वगैरह शो, नागालैंड का शो किया जाता है। ऑलराइट गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाफ वे में, यहाँ चाय का ब्रेक लेंगे फिर आप लोगों से रास्ते में मुलाकात करते हैं। फिर नहीं दो नहीं दो नहीं दो आप लोग व्यू का मजा लीजिए। ओ बाप रे, यहाँ तो पूरा ढूंढ ढूंढे। जैसे मैंने बताया था गाइस अभी रास्ते का कंस्ट्रक्शन अभी किसी किसी जगह पे चल रहा है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है हाईवे का कंस्ट्रक्शन, लेकिन बहुत ही मजा आ रहा बाइक में राइड करने का, क्योंकि बहुत दिन से मैं लोकल राइड कर रहा था। और आप लोगों को बता दूं, ये डीमापुर और कोहिमा जो है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, मैं डीमापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और ये कोहिमा जो है ये एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये कोहिमा जो है नागालैंड का कैपिटल है। हाँ, जिसको मालूम है उनके लिए नहीं, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स जिसको मालूम नहीं है उनको बता रहा हूँ मैं।
चलो लेंस को साफ करते हैं। ऑलराइट गाइस, बहुत सारे बाइकर्स रुके हुए हैं, लगता है आसाम से है ये सब, एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग उधर देख सकते हो, वो जब पहाड़ की तरफ वो बहुत सारे घर देख रहे हैं, वो है कोहिमा। अभी कोहिमा पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही देर के बाद हम लोग कोहिमा में एंटर करेंगे, क्योंकि हाफ वे क्रॉस कर चुका है। ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ से सीधा जाएंगे हम लोग, चाय पी ले हैं हमने, चाय का ब्रेक खत्म। सुनिए, देख तो पूरा बोना से ना, चलो हमने आगे बोले, ओए ओए ठीक है। ऑलराइट गाइस, यहाँ में चाय का ब्रेक खत्म हो चुका है, अभी हम लोग मूव कर रहे हैं। अभी यहाँ से कोहिमा इतना दूर नहीं है, अभी यहाँ से मेरे ख्याल से हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे कोहिमा, लेकिन कोहिमा से फिर जाना पड़ेगा किसमा। राइट लेंगे तो ये सीधा ऊपर जाके यहाँ से भी हो जाता है शॉर्टकट, लेकिन मैं टाउन की तरफ से जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने से शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन मैं इस तरफ से जाऊँगा, पूरा घूर के आएंगे।
ये मैं पहुंच गया कोहिमा का मेन टाउन। अभी मैं यहाँ से राइट ले लूँगा। और ये ऊपर देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वॉर सेमेट्री है ऊपर। किसी दिन जाके मैं घुमाऊंगा आप लोगों वॉर सेमेट्री। और यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो मेन टाउन इधर ही होता है, इधर ही पड़ता है। पूरा ट्रैफिक जाम है लेकिन हम टू व्हीलर वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ। ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं वॉर सेमेट्री है ये। पूरा ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है इधर। चलो आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ बाजार लगा हुआ है पूरा। बहुत ही बिजी है लोग इधर, फेस्टिव सीजन है, भीड़ तो होना ही चाहिए। इधर तो पूरा जाम ही लग गया, पूरा रास्ता ही बन हो गया इधर पूरा। अच्छा ऊपर जाने का पूरा बंद हो गया। मेन गेट जो ये है, चलो गाइस अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं नजारा। थैंक यू। ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ये बैक साइड का व्यू है। ये जहाँ लैंड रोवर का बैजिंग इधर लिखा हुआ है, ब्रिटिश लैंड रोवर। और ये ज़्यादा से ज़्यादा